Okay, so now we are starting with the topic that is एरिया अंडर द कर्व। तो जैसा कि नाम ही बता रहा है इस चैप्टर का कि ये सपोज करो कि कोई एक कर्व है, ठीक है, और ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस के साथ में, और ये मान लो कि एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स इज इक्वल टू बी, दो वर्टिकल लाइंस हैं, उनके बीच में जो एरिया है ये कर्व जो है वो ये जो एरिया इंक्लूड कर रहा है ये कर्व, इसको हमको कैलकुलेट करना है बेसिकली, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि एरिया अंडर द कर्व इज एरिया बाउंडेड बिटवीन ग्राफ ऑफ फंक्शन। सो लेट से दिस इज ग्राफ ऑफ फंक्शन, ठीक है, ग्राफ ऑफ फंक्शन, एंड जिसका डेफिनेशन क्या है, मतलब कि जो फंक्शन है उस जिसका हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, दैट इज वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस, मतलब कि वाई इज इक्वल टू एफ एक्स जो है वो आपके पास में कर्व हो गया, एंड एक्स एक्सिस बिटवीन एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी। तो सपोज करो कि ये हो गया आपके पास में लेट से एक्स इज इक्वल टू ए लाइन, और ये हो गया आपके पास में एक्स इज इक्वल टू बी लाइन, ये जो वर्टिकल लाइन्स हैं ये हो गया एक्स इज इक्वल टू बी और ये हो गया एक्स इज इक्वल टू ए। तो क्या बोल रहा है कि द एरिया अंडर द कर्व इज एरिया बाउंडेड बिटवीन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस बिटवीन द लाइन्स एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी इज रिप्रेजेंटेड बाय ये जो एरिया है। अगर मैं सपोज करूँ इसको मैं लिख दूँ आर ए, दैट इज रिक्वायर्ड एरिया, कि ये जो एरिया जो बाउंड कर रहा है ये कर्व किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ एंड बिटवीन एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो ये जो एरिया जो है बाउंड हो रहा है, इस एरिया को अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे हम, लिमिट ए टू बी मॉड ऑफ वाई डी एक्स। अब मॉड ऑफ वाई क्यों लिखा हमने, उसके लिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है, तो दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो एरिया नहीं डिनोट करता है। इस बात को जो है आप नोट कर सकते हो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो एरिया डिनोट नहीं करता है, वो बेसिकली एल्जेब्रिक एरिया डिनोट करता है। तो ये मॉड जो है ये उसी समय ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा जब आपके पास में ये जो कर्व है ये तो पूरी तरह से एक्स एक्सिस के ऊपर है। कभी ये भी सिचुएशन हो सकता है कि कर्व जो है वो इस तरह से हो, तो हम क्या करेंगे, ए से बी में एरिया इवेलुएट करेंगे, तो हमको पता है ये ए वन है ये ए टू है। तो अगर हम इसका इंटीग्रल देखें तो ए से बी एफ एक्स सपोज करो डी एक्स, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास में ए वन माइनस ए टू, ठीक है। ये जो आंसर आ रहा है दिस इज नॉट एरिया, मतलब एरिया तो है लेकिन दिस इज एल्जेब्रिक एरिया, और जब हम एरिया की बात कर रहे हैं देन हमको तो ये पूरा एरिया चाहिए, ये भी प्लस में चाहिए, और तो हम क्या करेंगे इस पर जब हम मॉड लगा देंगे तो ये जो है वो ऊपर आ जाएगा, तो अब ये ऐड होने लग जाएगा। क्लियर है बात। तो डेफिनेट इंटीग्रल की मदद से हम एरिया अंडर द कर्व इवेलुएट करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल इटसेल्फ इज रिप्रेजेंटिंग ओनली एल्जेब्रिक एरिया, मतलब कि जो एरिया डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रल को सपोर्ट कर रहा है, मतलब कि लोअर लिमिट से अपर लिमिट की तरफ जा रहे हैं, वो सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं इन द डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो अभी के लिए तो बस एक हमारे पास में लाइन होनी चाहिए दिमाग में आपके फिट कि जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो एल्जेब्रिक एरिया के बारे में बातचीत कर रहा है, हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं एरिया अंडर द कर्व। तो अगर कोई एरिया एल्जेब्रिकली अगर वो नेगेटिव है तो हमको उसको पॉजिटिव बनाने की जिम्मेवारी हमारी है। क्लियर है बात। कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो एरिया बाउंड हो रहा है, सपोज करो ये माइनस एट है, माइनस एट का मतलब कि एल्जेब्रिक सेंस में अगर हम बात करें ये माइनस एट वैल्यू आ रहा है, ए से बी में आपने इंटीग्रल सॉल्व किया, तो जब हम एरिया अंडर द कर्व अगर हमको पूछा जाएगा तो हम आंसर एट करेंगे, तो वो आंसर एट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस कर्व के ऊपर अगर हम मॉड लगा देंगे तो ये जो नेगेटिव डायरेक्शन में है ये कर्व, ये कहाँ पहुंच जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर हम इवेलुएट कर लेंगे। क्लियर है बात। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो रिक्वायर्ड एरिया है उसको आप क्या लिखोगे, लिमिट फ्रॉम ए टू बी एंड मॉड ऑफ वाई डी एक्स। फिर वाई जो है वो क्या है, वाई है आपके पास में एफ एक्स है, तो अगर आपने मॉड ऑफ वाई लिखा तो एफ एक्स पे भी मॉड आ जाएगा एंड लिमिट इज फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में रिक्वायर्ड एरिया। यहाँ पर आर ए से क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मॉडुलस इज मोर सिग्निफिकेंट व्हेन, क्या बोल रहा है कि जो आपने मॉड लगाया था, अभी मॉड ऑफ वाई डी एक्स लिखा था,
जहाँ पर x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी में बातचीत हो रही थी, मतलब जब हम एरिया इवेलुएट कर रहे थे, तो ये जो मॉड है मॉड ऑफ y, ये कब ज्यादा सिग्निफिकेंट है, जबकि कुछ इस तरह से कर्व है। तो कर्व अगर पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो अब आपको ये पता है कि ये जो है ये ए वन है, ये ए टू है। अगर हम इंटीग्रल की बात करें, सपोज करो ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी अगर हम बात करें, सो दैट इज सिंपली ए वन माइनस ए टू। ये बात क्लियर है? ये क्या बता रहा है हमको? ये बता रहा है एल्जेब्रिक एरिया। ये किसकी बातचीत हो रही है? ये बातचीत हो रही है एल्जेब्रिक एरिया की। बट अगर हमको एरिया अंडर दिस कर्व बताना है बिटवीन एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी विद एक्स एक्सिस, तो अभी हमको ये एरिया इवेलुएट करना है। तो ये एरिया इवेलुएट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे इसको कि ए से बी में आप इवेलुएट कर दो मॉड ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अब जैसे ही आपने मॉड ऑफ एफ एक्स डी एक्स की बातचीत करी, तो अब क्या होगा कि ये जो आपके पास में एरिया है, ये एरिया क्या हो जाएगा, मतलब कि ये जो कर्व है यहाँ पे पॉजिटिव है, वहां पर तो मॉड लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन जहां पर नेगेटिव हो रहा है वो क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट कर देगा ऊपर की तरफ। तो ये जो कर्व है अब इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो अब जब हम मॉड हमने अप्लाई कर दिया, तो अब हम जो एरिया इवेलुएट करेंगे, तो ये ए वन पॉजिटिव आएगा और ये जो ए टू है ये भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है बात? तो ये जो आपने कर्व बना रखा है, इसको अगर मैं हाईलाइट करूँ आपको समझाने के लिए, तो ये कर्व आपके पास में आ गया मॉड ऑफ एफ एक्स ये, ठीक है? अब जब आप इसके लिए एक्स इज इक्वल टू ए से एक्स इज इक्वल टू बी तक इंटीग्रल लिखोगे, तो ये जो ए टू एरिया है ये भी पॉजिटिव आएगा। तो आपके पास में अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली आपके पास में आंसर आ जाएगा ए वन प्लस ए टू, ठीक है बात? अदरवाइज अगर हम इसको ब्रेक करें थोड़ा सा, सपोज करो कि मैं यहाँ पर जो है इसको अपने से ही हमने एक वैल्यू मान लिया, ये मान लिया एक्स इज इक्वल टू सी है, मतलब कि एक्स इज इक्वल टू ए से बी में जा रही है बातें। तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू ए से हम पहले सी में गए, फिर सी से बी में गए, तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इसी को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख देंगे हम इसी को? लिखने का ये तरीका भी हो सकता है कि हमने इस इंटीग्रल को लिखा ए से बी में, ए से सी में ब्रेक किया पहले, तो ए से सी में गए, तो ए से सी में आपको पता है कि जो आपके पास में जो एफ एक्स है, अब हम एफ एक्स को कंसीडर कर रहे हैं, तो एफ एक्स जो है वो ए से सी में पॉजिटिव है, और बेटर टू से कि नॉन नेगेटिव है, सपोज करो, सपोज क्या करना है ही नॉन नेगेटिव, ठीक है? तो जो मॉड का साइन, मॉड जो होगा वो प्लस साइन की तरह खुलेगा, तो ए से सी में जो मॉड ऑफ एफ एक्स है उसको हम एफ एक्स बोल सकते हैं, तो एफ एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है बात? अब जब हम सी से बी की तरफ जा रहे हैं एंड वी आर कंसीडरिंग फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स को, तो जब हमने मॉड ऑफ एफ एक्स लिख रखा है तो वो माइनस साइन के साथ होगा ओपन, तो ये माइनस लगाया हमने और लिमिट लिख दी हमने सी से बी एफ एक्स डी एक्स। तो अभी क्या होगा कि जब आप ये इवेलुएट करोगे एफ एक्स डी एक्स सी से बी में इस फंक्शन के हिसाब से, जब आप कैलकुलेट करोगे सी से बी में इस फंक्शन के हिसाब से एफ एक्स डी एक्स, तो ये ए टू तो माइनस साइन के साथ में आएगा और एक माइनस यहाँ पे ऑलरेडी बैठा हुआ है, क्लियर है बात? तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा ए वन प्लस ए टू ही, क्लियर है बात? इसी तरह से अगर कोई केस इस तरह से है कि जहाँ पर जो एफ एक्स है वो पूरी तरह से नेगेटिव है, तो अब आप देखो ये जो एरिया मान लो ए थ्री है, तो ये एरिया जब हम इसको सॉल्व करेंगे ए से बी, सपोज करो ये जी एक्स है, लेट से दिस फंक्शन इज वाई इक्वल टू जी एक्स, तो अगर मैं केवल और केवल यहाँ पर लिखूँ, क्या लिख दें हम यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ए से बी जी एक्स डी एक्स, तो ए से बी जी एक्स डी एक्स जो है ये जो एरिया ए थ्री है ये माइनस साइन के साथ आएगा, क्योंकि हमको पता है जो डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रल है वो तो लोअर लिमिट से अपर लिमिट की तरफ है, जो डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रल है वो तो लोअर से अपर की तरफ है, और जो फंक्शन है वो पूरी तरह से बिलो एक्स एक्सिस है। अगर फंक्शन पूरी तरह से बिलो एक्स एक्सिस है और डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रल जो है वो लोअर से अपर की तरफ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एरिया है ये नेगेटिव होगा एल्जेब्रिक सेंस में। एरिया तो नेगेटिव होता नहीं है, बट एल्जेब्रिक सेंस में क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, तो माइनस ऑफ ए थ्री आएगा। तो जब हमको एरिया इवेल्युएट करना है तो हम लिखेंगे ए से बी मॉड ऑफ जी एक्स टी एक्स। तो जैसे ही हमने मॉड अप्लाई कर दिया, तो अभी क्या होगा, अभी जो भी आप एरिया यहाँ पे इवेलुएट करोगे, तो यहाँ पे अगर हम मॉड हटाएंगे ए से बी में, तो वो आएगा माइनस टाइम्स ऑफ ए से बी जी एक्स डी एक्स। ठीक है, मॉड हटा दिया हमने। अब हमको पता है ए से बी जी एक्स डी एक्स जो है वो माइनस ऑफ ए थ्री होगा, तो माइनस माइनस अल्टीमेटली क्या हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा, तो मिलेगा क्या हमको, अल्टीमेटली मिलेगा हमको माइनस ऑफ ए थ्री टाइम्स माइनस, तो हमको क्या मिलेगा ए थ्री ही मिल जाएगा यहाँ से। वही हमारे पास में एरिया अंडर द कर्व आ गया कि ये कर्व ने एक्स एक्सिस के साथ में बिटवीन एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी में जो एरिया बाउंड किया, दैट इज वी वॉन्ट टू इवेल्युएट। क्लियर है बात, इसीलिए मॉड का सिग्निफिकेंस यहाँ पर है। अब अगर कभी ऐसा हुआ कि जो कर्व है वो पूरी तरह से एक्स एक्सिस से ऊपर है, इस तरह से सिचुएशन है, तो आप मॉड लगाओ या ना लगाओ उससे तो एफ एक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि एफ एक्स इज ऑलरेडी नॉन नेगेटिव, तो अगर कोई क्वांटिटी नॉन नेगेटिव है ऑलरेडी तो उस पर हमको मॉड अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है बात, आई होप क्लियर है। आगे चलते हैं, फिर क्या बोल रहा है यहाँ पर, यहाँ पर बोल रहा है कि इफ वी रिवर्स द रोल ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब कि एक्स और वाई का रोल रिवर्स करते हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हमारे पास में एरिया बाउंडेड बाय वाई, एरिया बाउंडेड बाय वाई एक्सेस एंड द कर्व, अभी यहाँ पर जो कर्व है वो कर्व जो है वो एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई है, मतलब कि एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ वाई टाइप का है, बिटवीन वाई इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू बी, मतलब यहाँ पर जो बातचीत है वो कुछ इस तरह से चल रही है कि ये जो फंक्शन है दिस इज एक्स इज इक्वल टू जी वाई टाइप का फंक्शन है, जिसमें कि आपको ये वाई एक्सेस है, तो वाई एक्सेस मतलब ये एरिया और ये एरिया वी वॉन्ट टू इवेलुएट। ठीक है, तो जब हमको ये एरिया इवेलुएट करना है तो जो कर्व एक्स एक्सेस के मतलब कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है वो एरिया तो प्लस के साथ आएगा, और जो एरिया वाई एक्सिस के लेफ्ट पे है ऐसा बोल सकते हैं, जिसके लिए एक्स नेगेटिव है, वो एरिया माइनस साइन के साथ आएगा। ठीक है, जब हम एल्जेब्रिक सेंस में बात कर रहे हैं, और जब हम एब्सोल्यूट सेंस में बात कर रहे हैं, तो हमारे पास में जो रिक्वायर्ड एरिया है हमको जो बताना है, रिक्वायर्ड एरिया जो है वो है हमारे पास में ये वाला एरिया, इसको जरा सा हम हाईलाइट कर लेते हैं, ये जो एरिया है ये हमको इवेलुएट करना है। ठीक है, मतलब कि ये कर्व हो गया और इस कर्व ने वाई एक्सिस के साथ में और वाई इज इक्वल टू ए और वाई इज इक्वल टू बी लाइन के बीच में जो एरिया बाउंड किया है वो एरिया वी वांट टू इवेलुएट। तो हमने क्या किया यहाँ पर, जैसा कि हम वहां पर लिख रहे थे मॉड ऑफ वाई डी एक्स लिखते थे, यहाँ पर जो इंटीग्रेटिंग एलिमेंट है वो डी एक्स ना होकर क्या होगा, डी वाई होगा। मतलब अगर हम इस स्ट्रिप की बात करें तो ये जो स्ट्रिप है ये क्या है, ये डी वाई एलिमेंट है, बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई नाउ। तो जब हम वाई के रिस्पेक्ट में जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमको फंक्शन भी वाई में चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए साइन वाई कॉस वाई वाई स्क्वायर वाई क्यूब कुछ इस तरह से। तो अगर आपके पास में जो फंक्शन है जैसे एक्स इज इक्वल टू जी वाई है, तो आप उसको क्या लिखोगे, मॉड ऑफ एक्स डी वाई, मॉड ऑफ एक्स डी वाई वेयर वाई इज नाउ वाई इज वेरिंग फ्रॉम ए टू बी। तो डी वाई जब कुछ इस तरह से मेंशन नहीं है तो डी वाई है, मतलब कि वाई ही वेरी कर रहा है, तो एक्स जो है वो क्या है, जी ऑफ वाई है। तो एक्स की जगह पे आपने क्या लिख दिया, एक्स की जगह पे लिख दिया आपने जी वाई और उस पर क्या लगा दिया आपने मॉड। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप देखो, सपोज करो कि ये जो एरिया है यहाँ से लेकर वाई इज इक्वल टू ए से वाई इक्वल टू बी तक जब हम जाएंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एरिया है वो माइनस साइन के साथ आएगा, ये प्लस साइन के साथ ही आएगा। हमको ओवरऑल पूरा एरिया चाहिए प्लस में, तो हमने क्या किया इस पर मॉड अप्लाई कर दिया। अब मॉड अप्लाई जब हमने किया तो आप देखो, सपोज करो ये सी है, वाई इज इक्वल टू सी है, तो वाई इज इक्वल टू ए से जब हम वाई इज इक्वल टू सी तक जा रहे हैं, तो जब हम वाई इज इक्वल टू ए से वाई इज इक्वल टू सी तक जा रहे हैं, तो जो एरिया है वो क्या आएगा आपके पास में, वो एरिया आएगा आपके पास में नेगेटिव में, तो उसके ऊपर में हमको क्या लगाना है, मॉड। जब हम मॉड अप्लाई करेंगे तो वो जो एरिया होगा वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है बात, तो ये नेगेटिव एरिया को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, इसके ऊपर मॉड अप्लाई कर दिया, और यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम लिख रहे हैं मॉड ऑफ एक्स, तो जो मॉड ऑफ एक्स है वो माइनस ऑफ एक्स होगा, जो मॉड ऑफ एक्स है वो क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स होगा। कब? जबकि एक्स नेगेटिव है, तो जब हम वाई इज इक्वल टू ए से वाई इज इक्वल टू सी तक जाएंगे तो एक्स नेगेटिव होगा, और जब हम y इज इक्वल टू सी से y इज इक्वल टू बी की तरफ जाएंगे तो x जो है वो पॉजिटिव होगा, तो जो मॉड ऑफ x है वो सिंपली x की तरह बिहेव करेगा। आई होप नाउ इट इज क्लियर। ओके, फिर हम इवेल्युएट करके देखते हैं अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो। बट बिफोर दैट वी हैव अ बर्थ रिमेंबर पॉइंट। क्या बोल रहा है, फॉर इंटीग्रेशन ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पर जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मॉड ऑफ y dx एंड सब्स्टिट्यूट y इन टर्म्स ऑफ x। मतलब कि यहाँ पर हमको जरूरत पड़ेगी कि हम y को
एज अ फंक्शन ऑफ एक्स डिनोट करें, ठीक है बात। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है फॉर इंटीग्रेशन ऑन वाई एक्सिस हम क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ एक्स डी वाई लिखेंगे। यहाँ पर एलिमेंट क्या होगा डी वाई, यहाँ पर एलिमेंट क्या होगा डी एक्स, एंड सब्सटीट्यूट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स की बात हो रही है, अब वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स को सपोज करो कि हम इवेल्युएट करना चाह रहे हैं एक्स इज वेरिंग फ्रॉम जीरो से एक्स इज इक्वल टू डेल्टा की तरफ, यहाँ से जीरो से डेल्टा में ई पावर एक्स ये हम इवेल्युएट करना चाह रहे हैं, तो ये वाला अलॉन्ग विद एक्स एक्सिस, तो ये एरिया अगर हम इवेल्युएट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा वाई डी एक्स, बिकॉज एक्स इज वेरिंग, तो जो इंटीग्रेटिंग एलिमेंट है वो डी एक्स होगा, तो वाई डी एक्स लिखेंगे। तो y इज इक्वल टू क्या है ई पावर x, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दिस इज सिंपली राइटिंग ई पावर x dx। ये जो है हमको कौन सा वाला एरिया मिल जाएगा, ये एरिया मिल जाएगा जो कि y इज इक्वल टू ई पावर x ने अलोंग x एक्सिस, मतलब बिटवीन x एक्सिस एंड x इज इक्वल टू जीरो एंड x इज इक्वल टू डेल्टा के बीच में बाउंड किया है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि नाउ इवेलुएट ये वाला एरिया, अभी हमको सपोज करो ये एरिया इवेलुएट करने के लिए बोला गया जो कि y इज इक्वल टू, अगर हमको ये वाला एरिया इवेलुएट करने के लिए बोला गया जिसमें कि जो y इज इक्वल टू ई पावर x कर्व है वो y एक्सिस के साथ में इन बिटवीन y इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा में जो एरिया बाउंड हो रहा है, मतलब कि एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू ई पावर x विद y एक्सिस बिटवीन y इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा, तो ये जो है इन दोनों के बीच में y इज इक्वल टू ई पावर x ने y एक्सिस के साथ जो बाउंड किया, तो वो तो ये एरिया हो गया। अब जब हमको बोला गया ये एरिया हमको इवेलुएट करना है तो इसको लिखेंगे हम अलोंग y एक्सिस, तो जब हम y एक्सिस के अलोंग लिखेंगे तो जो एलिमेंट हम सेलेक्ट करेंगे वो एलिमेंट क्या होगा डी वाई होगा, वो एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास में डी वाई, ठीक है बात। तो इसको अगर हम यहाँ पर एलिमेंट डिनोट कर पाए आपके लिए, तो ये एलिमेंट हो गया लेट से डी वाई। अब ये डी वाई वैरी करेगा कहाँ से कहाँ वैरी करेगा, वाई इज इक्वल टू अल्फा से वाई इज इक्वल टू बीटा में। तो सपोज करो अगर मैं इस एरिया को बोल रहा हूँ ए वन, ठीक है, और ये जो एरिया हमने एवेलुएट किया ये एरिया हो गया लेट से ए टू, ठीक है, तो ए टू तो हमने लिख दिया ऑलरेडी। नाउ ए वन को हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, y इज वेरिंग फ्रॉम अल्फा टू y इक्वल टू बीटा एंड डी वाई। अब जब हम डी वाई लिखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर क्या आएगा x इन टर्म्स ऑफ y, तो x इन टर्म्स ऑफ y लिखने के लिए y इज इक्वल टू ई पावर x, तो यहाँ पे हमने ln ले लिया बोथ साइड, तो ये बन जाएगा आपके पास में ln y और e पावर x बन जाएगा x। तो अभी आप x को क्या लिखोगे, x को अब आप लिखोगे ln ऑफ y। यहाँ पर हमने मॉड क्यों नहीं लगाया, यहाँ पर मॉड लगा सकते थे हम इस पर, लेकिन हमको पता है कि जिस एरिया जिस लिमिट्स की बात हो रही है x इज इक्वल टू जीरो से x इज इक्वल टू डेल्टा में ये पॉजिटिव ही है। सिमिलरली यहाँ पर भी जब y इज इक्वल टू अल्फा से y इज इक्वल टू बीटा में बात हो रही है तो जो x है वो पॉजिटिव है, यहाँ पर y पॉजिटिव देखेंगे यहाँ पर x पॉजिटिव है, तो मॉड ऑफ x जो है वो प्लस साइन के साथ ही ओपन होगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इन दोनों एरियाज को, क्लियर है मात, आई होप क्लियर है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बर्थ रिमेम्बर पॉइंट वी हैव, ओके। नाउ वी हैव फ्यू न्यूमेरिकल्स टू सॉल्व। क्या बोल रहा है कि एरिया बाउंडेड बिटवीन एक्स एक्सिस, एरिया बाउंडेड बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द कर्व वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस रूट ओवर सेवन इंटू एक्स एंड एक्स प्लस रूट ओवर सेवन, ये कोई एक कर्व है और x एक्सिस के बीच में जो एरिया है वो हमको बताना है। तो जब इस तरह की बात हो रही है तो इस कर्व को अगर हम देखें, अगर और कुछ नहीं गिवन है तो अभी हमको पता है कि ये क्यूबिक है और इस क्यूबिक में हमको पता है कि एक्स क्यूब, मतलब इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, कर ही सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस सेवन इंटू एक्स, सो दैट इज वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स, तो ये तो एक क्यूबिक हो गया। इसके रूट्स भी हमको पता है जीरो है, रूट सेवन है और माइनस का रूट सेवन है, तो वैन एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी वाई इज ऑल्सो टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। और फिर ये कहाँ पर जाके कट कर रहा है, एक बार तो ये कट करेगा एक्स एक्सिस को माइनस ऑफ रूट सेवन पर, फिर एक बार कट करेगा जीरो पर, फिर एक बार कट करेगा रूट सेवन पर, और जब एक्स जाएगा प्लस इन्फिनिटी की तरफ तो वाई भी जाएगा प्लस इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है।
तो ये कर्व कुछ ऐसा दिखाई देगा हमको। अच्छा यहाँ से हम यहाँ पर अगर हम वेवी कर्व से भी समझें तो दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो अभी हमको पता चल गया कि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये नेगेटिव से ऐसा जाएगा, फिर ये इस तरह से जाएगा, फिर यहाँ पर ये पॉजिटिव रहेगा, फिर ये नेगेटिव होगा और फिर ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का रफ कर्व हमको देखने के लिए मिलेगा। तो ये कर्व कुछ इस तरह से आ रहा है, फिर ये जीरो से जाएगा, फिर ये इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है। तो हमको तो जो एरिया पूछा गया वो एरिया कौन सा हो गया, वो एक तो ये एरिया हो गया और ये एरिया हो गया, तो ये एरिया हमको इवेल्युएट करना है। तो जब हमको ये एरिया इवेल्युएट करना है तो अभी हमको देखिए यहाँ पर कि जो कर्व है वो पूरी तरह से ना तो वाई एक्सिस के ऊपर है। अगर पूरी तरह से ऊपर होगा तब तो आप क्या करो कि मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है, पूरी तरह से नीचे होगा तो आप पहले इवेल्युएट कर लो, फिर जो नेगेटिव आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव कर दो। लेकिन कभी जो है ये ऊपर है कभी नीचे है तो आप क्या करो मॉड लगा ही दो, तो जहां पर पॉजिटिव होगा वहां पर प्लस साइन के साथ ओपन हो जाएगा, जहां पर नेगेटिव होगा वहां पर माइनस साइन के साथ वी कैन इवेल्युएट। तो फिर हमने क्या किया, नाउ द रिक्वायर्ड एरिया वी हैव, रिक्वायर्ड एरिया जो है आपके पास में वो क्या जाएगा, आपके पास में रिक्वायर्ड एरिया जाएगा लेट से लिमिट जो है वो हम ले रहे हैं माइनस ऑफ रूट सेवन से रूट सेवन, ठीक है बात, एंड मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स, इस पर हमने मॉड अप्लाई कर दिया, ठीक है, एंड डी एक्स। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, मॉड ऑफ वाई डी एक्स, लिमिट इज फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट सेवन से एक्स इज इक्वल टू रूट सेवन, क्लियर है बात, आई होप क्लियर है। तो अब ये हमको इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो इसको अगर हमको इवेल्युएट करना है तो अगर हम देखें तो जीरो तक, माइनस रूट सेवन से जीरो तक तो ये पॉजिटिव है, और फिर जीरो से रूट सेवन में ये नेगेटिव है, तो इस मॉड को हमने ओपन कर लिया। सो नाउ द रिक्वायर्ड एरिया कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ रूट सेवन से, माइनस ऑफ रूट सेवन से आपने लिखा जीरो, एंड दिस इज एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स डी एक्स, क्यों, क्योंकि ये प्लस पॉजिटिव है, तो जो मॉड के अंदर में पॉजिटिव है तो वो तो एज इट इज आ जाएगा बाहर, ठीक है बात, बेसिकली नॉन नेगेटिव है टू बी प्रिसाइज। फिर आगे चले, हमने लिखा जीरो से रूट सेवन एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स डी एक्स। अभी यहाँ पर क्या गड़बड़ हुआ, यहाँ पर ये गड़बड़ हुआ कि ये एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स नहीं होगा। अब ये जो आएगा आपके पास में, अगर आप इसको लिखना भी है ऐसा एक्स क्यूब माइनस, तो ये जो मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स है ये माइनस साइन के साथ ऊपर होगा, तो अगर आपने एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स यहाँ लिखना है तो यहाँ पर क्या आएगा, एक माइनस साइन, क्लियर है बात, क्यों, क्योंकि ये जो एरिया आएगा, ये एरिया आपके पास में नेगेटिव आएगा, जब आपने इसके सामने माइनस लगा दिया तो फिर ये एरिया भी क्या हो गया, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से इसको हमने लगा दिया माइनस, अभी ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ये माइनस क्यों आया, क्योंकि मॉड जो है यहाँ पर माइनस साइन के साथ ओपन होगा, क्लियर है बात। तो फिर आगे क्या किया हमने, यहाँ पर इसको इवेल्युएट कर लेते हैं। तो आगे क्या किया हमने, इसको इवेल्युएट कर लेते हैं। तो इसको इवेल्युएट करने के लिए नाउ अभी इसको सॉल्व कर लेना है बस हमको, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स, एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स डी एक्स का जो एरिया है, एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स का जो अपने पास में एरिया आ गया वो क्या जाएगा। अच्छा, या फिर यहाँ पर एक चीज़ और की जा सकती है, आप देखो ये जो एरिया है मतलब यहाँ से लेकर हमको तो यहाँ से ही मतलब है, ठीक है। तो इस पे जब हमने मॉड लगाया तो ये एरिया कुछ इस तरह से आ गया होगा, ठीक है, और ये सिमेट्रिकल इंटरवल भी है। जब हमने मॉड लगा दिया तो ये जो है कर्व कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। तो जब ये कर्व कुछ इस तरह से दिख रहा है इसका मतलब ये हुआ कि ये एरिया और ये एरिया बराबर ही हैं। तो अगर हम इस एरिया को या इस एरिया को इवेल्युएट करके उसका डबल कर दें तो भी आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी किया जा सकता है। बहरहाल अगर हम इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर दें तो इवेल्युएट कर लेते हैं क्या आ जाएगा। नाउ लेट्स से वी वांट टू इवेल्युएट दिस एंड वी कैन वेरीफाई जो बोल रहे हैं। इसको इवेल्युएट करने के लिए हमने लिखा दैट इज इक्वल टू एक्स पावर फोर बाई फोर माइनस ऑफ सेवन एक्स स्क्वायर बाई टू एंड लिमिट इज फ्रॉम
माइनस का रूट सेवन से जीरो। तो अपर लिमिट रखा, अपर लिमिट रखने पे तो ये सब जीरो हो गया। लोअर लिमिट रखा, लोअर लिमिट रखा तो क्या जाएगा, माइनस का रूट सेवन का पावर फोर। अब माइनस का रूट सेवन का पावर फोर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस रूट सेवन का स्क्वायर इज सेवन, फिर सेवन का स्क्वायर दैट इज 49। तो ये आ गया आपके पास में 40 माइनस साइन के साथ में, यहाँ पे आ गया 49 बाई 4 माइनस ऑफ, यहाँ पर भी लोअर लिमिट रखना है, तो रूट माइनस का रूट सेवन का स्क्वायर होगा तो 7, और 7 इंटू 7 कितना हो गया 49, 49 बाई 2 इज एज इट इज, तो उसको लिख दिया 49 बाई 2। अब देखो ये लिखा हुआ है 49, अगर आप बाहर कर दो तो ये लिखा हुआ है 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 2, सो दैट इज माइनस ऑफ 1 बाई 4, तो माइनस का 49 बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस, तो अल्टीमेटली क्या आ गया आपके पास में, इसको इवेल्युएट करने पर आ गया आपके पास में 49 बाई 4। आई होप ये बात क्लियर है। ये इवेल्युएट किया हमने तो कितना आ गया 49 बाई 4, कैसे आ गया, यहाँ पर वैल्यू रखी, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 बाई 4 माइनस ऑफ, तो माइनस का 1 बाई 4 विद अ माइनस साइन, प्लस हो गया और 49 हमने बाहर लिया था तो 49 मल्टीप्लाई कर दिया तो 49 बाई 4 आ गया। अब आप देखो सेम इंटीग्रल है, एक्स क्यूब माइनस 7x, तो इंटीग्रल तो यही होगा। जब आप इसमें लिमिट, अब आप देखो लिमिट जब हम 0 से रूट 7 रखेंगे, और आगे में एक माइनस साइन है, चलो बाद में देख लेंगे, तो 0 से जब हम रूट 7 रखेंगे तो आपने रूट 7 रखा, रूट 7 जब आप रखोगे तो क्या आएगा भाई 49 बाई 4 आएगा, माइनस का क्या आएगा 49 बाई 2 आएगा, तो ये अल्टीमेटली कितना आएगा, माइनस का 49 बाई 4 आएगा, और एक माइनस साइन यहाँ पर, यहाँ पर माइनस साइन क्यों आया था, क्योंकि हम ये लोअर लिमिट कर रहे थे, यहाँ पे ये क्या हो गया अपर लिमिट हो गया, क्लियर है बात। या फिर अगर आप देखो यहाँ से ही, तो ये बात अभी तो क्लियर है कि ये 0 से रूट 7 में जब हम इवेल्युएट करेंगे तो ये सेम ही वैल्यू आएगी 49 बाई 4, तो अल्टीमेटली क्या आ गया आपके पास में आंसर 49 बाई 4 प्लस 49 बाई 4, सो 49 बाहर 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 इज 1 बाई 2, सो दैट इज 49 बाई 2, नाउ व्हाट वी आर गेटिंग इज 49 बाई 2, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में एरिया बिटवीन x एक्सिस एंड द गिवन कर्व, तो अगर x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b इस तरह से नहीं गिवन है, तो यहाँ पे देखो ये एरिया इस तरह से बाउंड हो रहा होगा, तो ये एरिया हमसे पूछा गया था, ये और ये एरिया, अदरवाइज आप क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ये हमको पता है नेगेटिव होगा, तो जो नेगेटिव है उसको प्लस करके लिख दो आपस, तो दोनों को आपको ऐड ही करना है अल्टीमेटली, या फिर आप मॉड अप्लाई कर दो, दोनों चीजें सेम ही हैं। डेफिनेट इंटीग्रल आ रहा है तो एरिया में कुछ ऐसा नया नहीं है बताने के लिए, बट ये बात हमको ध्यान रखना है कि डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो क्या बताता है हमको, एलजेब्रिक एरिया, और यहाँ पर हम इवेलुएट कर रहे हैं एब्सोल्यूट एरिया, हमको तो टोटल वैल्यू चाहिए, सारा एरिया का सम चाहिए, डायरेक्शन से हमको यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, क्लियर है बात, आई होप क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल वी हैव, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द कर्व वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, कुछ इस तरह की बातचीत हो रही है कि हमको इवेल्युएट करना है बाउंडेड एरिया बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो अभी अगर हम देखें यहाँ पर, तो वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का अगर हम ग्राफ बनाएं, तो ये हो गया आपके पास में लेट से एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया आपके पास में लेट से वाई एक्सिस, ठीक है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा आपके पास में, एंड नॉट लाइक दिस, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x हम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ, ये जो लाइन है ये लाइन हो जाएगी आपके पास में, कैन से दिस इज सिंपली पाई, ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा पाई बाई टू, ये हो जाएगा जीरो, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास में प्लस वन, और ये जो है ये हो जाएगा आपके पास में माइनस वन, ठीक है,
इसको अगर हम थोड़ा सा ठीक है, तो ये हो गई आपके पास में y इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, ये हो गया आपके पास में x इज इक्वल टू वन। और अब क्या बोला क्या गया है हमको, हमको पूछा गया है कि नाउ इवेलुएट फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सेस एंड कर्व y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। कोऑर्डिनेट एक्सेस का मतलब हो गया x एक्सेस एज वेल एज y एक्सेस। तो यहाँ पर देखो ये जो एरिया है केवल और केवल यही एरिया जो है जो कि x एक्सेस और y एक्सेस और cos इनवर्स x से बाउंड हो रहा है। कई बार ऐसा भी बोल देते हैं कि राइट बाउंड बाय cos इनवर्स x, लेफ्ट बाउंड बाय y एक्सेस एंड बिलो बाउंडेड बाय x एक्सेस, तो भी यही एरिया आएगा। तो अगर हमसे बोला गया है कि नाउ फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सेस एंड द कर्व y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, देन वी नीड टू कंसीडर ओनली दिस एरिया। क्यों? क्योंकि बाउंडेड एरिया तो यही है, ठीक है बात। यहां पे अगर आप देखो किसी को अगर इस बारे में कंफ्यूजन है तो यहां पर राइट इज बाउंड बाय y एक्सेस, अप इज नॉट बाउंड बाय x एक्सेस, ये तो y इज इक्वल टू पाई लाइन है, एंड बिलो और लेफ्ट इज बाउंड बाय कॉस इनवर्स x, तो ये तो अलग एरिया हो गया। अगर ये एरिया की अगर हम बात करें तो बोल रहा है कि इस एरिया को हम बोल सकते हैं कि दिस एरिया इज बाउंडेड लेफ्ट बाउंड बाय कॉस इनवर्स एक्स, अबव इट इज बाउंडेड बाय वाई इज इक्वल टू पाई एंड राइट बाउंड बाय वाई एक्सेस। बट यहां पर अगर हम देखें तो बोलेंगे कि बिलो इज बाउंड बाय एक्स एक्सेस, लेफ्ट इज बाउंड बाय वाई एक्सेस एंड राइट इज बाउंड बाय कॉस इनवर्स एक्स। तो हमको यही एरिया पूछा गया है। तो अभी इस एरिया को इवेलुएट करने के लिए हमारे पास में दो उपाय हैं। दो उपाय हैं का मतलब ये है कि या तो हम यहाँ पर dx एलिमेंट ले लें, ये जो एलिमेंट है ये dx है, इस dx एलिमेंट को अगर हम वेरी कराएं तो हमको जो लिमिट चाहिए वो x में चाहिए। तो x में अगर हमको लिमिट चाहिए तो फंक्शन भी हमको x में चाहिए। तो एक तो हम लिख सकते हैं कि 0 से 1 लिखा हमने और dx लिखा। अब जैसे ही dx लिखा तो नाउ वी वांट y इन टर्म्स ऑफ x, तो मॉड ऑफ y लिख दिया। अब मॉड ऑफ y लिखने का मतलब यहाँ पर सिंपल सा हो गया कि आप मॉड ऑफ cos इनवर्स x की बात कर रहे हो। अब मॉड ऑफ cos इनवर्स x लिखने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो पॉजिटिव है ही, y जो है वो पॉजिटिव है, तो y बिलोंग्स टू 0 से पाई है, cos इनवर्स x जो है वो तो 0 से पाई है, मतलब कि नॉन नेगेटिव है हमेशा। तो यहाँ से हम मॉड को जो है यहाँ पर हम पर्टिकुलरली एक्सक्यूज कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पर हमने लिखा कि इस तरह से हम लिख सकते हैं जबकि हमने dx एलिमेंट सेलेक्ट किया है, ये जो एलिमेंट है हमारे पास में, ये एलिमेंट क्या है आपके पास में, ये आपके पास में dx एलिमेंट है। तो आप इस तरह से जा सकते हो, अदरवाइज वी हैव वन मोर चॉइस कि आप dx एलिमेंट ना लेकर आपने dy एलिमेंट सेलेक्ट किया। सपोज करो आपने जो एलिमेंट सेलेक्ट किया, लेट्स से दैट इज dy, चलिए यहाँ से ही समझ लेते हैं। सपोज करो ये आपके पास में dy एलिमेंट है, तो जब आपने dy एलिमेंट लिखा तो यहाँ पे लिखा आपने dy, अब y वेरी करेगा तो y वेरी करेगा 0 से पाई बाय 2, तो जब आप 0 से पाई बाय 2 जाओगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट यहाँ आएगा मॉड ऑफ x, और मॉड ऑफ x मतलब कि आपको गिवन है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, सो नाउ यू वॉन्ट x इन टर्म्स ऑफ y, सो x इज इक्वल टू आप लिखोगे cos ऑफ y, फिर इस पर मॉड लगा दोगे, तो मॉड ऑफ cos y। लेकिन यहाँ पर आप देखो क्लियरली कि x जो है वो पॉजिटिव है जब बात हो रही है 0 से पाई बाय 2 में, तो मॉड ऑफ x जो है वो सिंपली x हो जाएगा। पॉजिटिव हम यहाँ पर जो बोल रहे हैं वो लार्जर सेंस में बोल रहे हैं, कहीं कहीं पर 0 भी हो रहा है, तो अल्टीमेटली दैट इज नॉन नेगेटिव, इतना तो समझ में आ रहा है। तो हम इस एरिया को जो हम जिसको हम रिक्वायर्ड एरिया बोल रहे हैं, नाउ दिस रिक्वायर्ड एरिया को लिखने के हमारे पास में दो मेथड हैं, एक तो हम 0 से पाई बाय 2 में मॉड ऑफ x dy लिखें, या फिर हम रिक्वायर्ड एरिया को 0 से 1 में मॉड ऑफ y dx लिखें। दोनों तरह से जो है हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एक करके समझते हैं इसको। जैसे कि मान लिया हमने कि रिक्वायर्ड एरिया हम अगर मॉड ऑफ y dx 0 से 1 में अगर हम इवेलुएट करना चाह रहे हैं, अगर हम जो मॉड ऑफ y वाला जो ये मॉड ऑफ जो रिक्वायर्ड एरिया है उसको हम 0 से 1 मॉड ऑफ y dx में अगर इवेलुएट करना चाह रहे हैं, तो हमने क्या किया यहाँ पर, मॉड ऑफ y का मतलब हो गया आपके पास में 0 से 1 में cos इनवर्स ऑफ x dx, ठीक है।
अब कॉस इनवर्स ऑफ एक्स डी एक्स को हमको इवेलुएट करना है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे, अच्छा यहाँ पर हमने मॉड हटा दिया, ठीक है, ये तो अभी क्लियर है कि जब हम जीरो से वन में जा रहे हैं तो ये जो है अपने पास में जीरो से वन में, जब एक्स जीरो से वन में, कॉस इनवर्स एक्स के ऊपर जो मॉड है वो हट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव है बेसिकली, ठीक है बात। तो इसको अगर हम इवेलुएट करेंगे, तो इसको इवेलुएट करने के लिए क्या चाहिए आपको? इसको इवेलुएट करने के लिए आपको एक सेकेंड फंक्शन चाहिए। तो सेकेंड फंक्शन के लिए थोड़ी सी जगह बनाई गई और यहाँ पर वन को बैठा लिया गया, तो वन को बोला गया सेकेंड फंक्शन, इसको बोला गया फर्स्ट फंक्शन, और बाई पार्ट्स अप्लाई किया। तो बाई पार्ट्स अप्लाई किया तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा गया, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन किया गया, माइनस क्या किया हमने, जो आपके पास में फर्स्ट फंक्शन है उसका किया डिफरेंशिएशन। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है आपके पास में है वन अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा आपके पास में विद अ माइनस साइन, तो माइनस ऑफ वन, तो माइनस माइनस प्लस कर दिया एंड रूट ओवर आ जाएगा वन माइनस, ये आ जाएगा आपके पास में वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो एक्स, ये जो वन है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, देन इंटीग्रेशन लिमिट इज जीरो टू वन डी एक्स। तो ये इंटीग्रेशन हमको इवेलुएट करना है, और यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है आपके पास में उसमें तो आपको केवल वैल्यूज ही, लिमिटिंग वैल्यूज ही पुट करना है। तो यहाँ पर तो जो लिमिट है वो जीरो से वन है, तो जब आपने यहाँ पर वन पुट किया होगा तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास में, यहाँ से जाएगा आपके पास में कॉस इनवर्स ऑफ वन इंटू वन, ठीक है। और जब आप यहाँ पर लोअर लिमिट रखोगे तो इस एक्स में, इस एक्स की जगह पर जब आप जीरो पुट करोगे तो अल्टीमेटली ये सारा कुछ जीरो हो गया। तो कॉस इनवर्स वन का वैल्यू, अब कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग लिखा हुआ है दैट इज इक्वल टू अल्फा, तो इसको आप लिख दो कॉस अल्फा इज इक्वल टू वन। नाउ अल्फा वी नीड टू चूज इन बिटवीन, अल्फा जो है वो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर अपने पास में जो अल्फा का वैल्यू है वो आ जाएगा कितना, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा आपके पास में जीरो, ठीक है। तो अल्फा आ गया आपके पास में जीरो, तो क्योंकि यहाँ पर जो एक्स है वो जा रहा है जीरो से वन में, एक्स जब जीरो से वन में जा रहा है तो कॉस इनवर्स एक्स जो है वो जीरो से पाई बाय टू में जा रहा है, तो कॉस इनवर्स ऑफ वन इज इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ वन इज इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में, कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू आ गया आपके पास में वन, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू आ गया जीरो, ओके। तो ये वैल्यू जो है वो, ये वैल्यू जो है वो कितना आ गया, जीरो आ गया, और लोअर लिमिट रखने पर जीरो आ ही रहा था। तो अल्टीमेटली बात बताने, नोट करने की बस इतनी सी बात है कि यहाँ पर ये जो अपने पास में, जब हमने इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया तो इफेक्टिवली जो वैल्यू है वो कितना आ गया आपके पास में, जीरो, मतलब कि शून्य, ठीक है। तो ये हो गया जीरो। तो अभी जो है इसका तो और कुछ आगे हमको लेकर चलने की जरूरत नहीं है। नाउ वी वांट टू इवेलुएट दिस इंटीग्रल इन द लिमिट जीरो टू वन। अब अगर आप देखो यहाँ पर तो क्लियरली आप देख सकते हो कि अगर हम इसको टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड कर दें तो ये जो है कुछ इसका डिफरेंशिएशन टाइप का कुछ बन रहा है, और एक माइनस साइन से भी मल्टीप्लाई कर दें, या फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए, ये जो इंटीग्रल है इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, अगर हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सपोज करो टी पुट किया, सो दिस विल गिव यू माइनस ऑफ 2x dx इज इक्वल टू dt, सो नाउ x dx कैन बी रिप्लेस बाय, x dx कैन बी रिप्लेस बाय dt बाय 2, दैट इज माइनस ऑफ dt बाय 2। अब यहाँ पर आप देखो कि जब हमने x की जगह पर वैल्यू रखा जीरो, क्या रखा हमने x की जगह पर, जब हमने वैल्यू जीरो रखा तो t आ गया वन, और जब हमने x रखा वन तो t आ गया कितना आपके पास में, जीरो। तो लिमिट जो है, अब लिमिट हो गई आपके पास में, इसको अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो आपके पास में हम बातचीत कर रहे हैं इस इंटीग्रल के बारे में जिसमें हमने सब्सटीट्यूट किया वन माइनस एक्स स्क्वायर को t, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने पर माइनस ऑफ 2x dx इज इक्वल टू dt आ गया। लिमिट जो है अब आ गई आपके पास में वन से जीरो विद अ माइनस साइन, तो माइनस ऑफ वन से जीरो एंड दिस इज डी टी बाय रूट ओवर टी। इस माइनस को अगर हम कंज्यूम करा देंगे तो जो लिमिट आ गई वो आपके पास में जाएगी, वी कैन से जीरो से वन एंड डी टी बाय रूट ओवर टी, ठीक है बात। आई होप अभी क्लियर है बात। तो अभी हमको इसको इवेलुएट करना है, ठीक है। तो इसको इवेलुएट करने के लिए इसको लिखा गया टी की पावर में माइनस हाफ प्लस वन,
तो डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस हाफ प्लस वन, तो डिनोमिनेटर में भी आ गया आपके पास में हाफ। अब ये क्या बन गया आपके पास में, टी की पावर में हाफ मल्टीप्लाइड बाय टू एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1। तो जब हमने लिमिट रखा यहाँ पर वन, तो वन लिमिट रखा, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में, यहाँ से पुट किया वन तो ये वन हो गया, और जब जीरो पुट किया तो जीरो हो गया। तो ये जो है वैल्यू आपके पास में कितना आ गया सॉल्व करने पर। अच्छा यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर डी टी बाई टू है, ये माइनस ऑफ डी टी बाई टू, ठीक है। दिस इज नॉट, देखो ना, वन माइनस एक्स स्क्वायर को हमने टी रखा, तो माइनस ऑफ टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आया। तो एक्स डी एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एक्स डी एक्स की जगह पे लिखेंगे हम माइनस ऑफ वन बाई टू टाइम्स ऑफ डी टी, तो माइनस ऑफ वन बाई टू। अभी ये माइनस को कंज्यूम कराया तो लिमिट पलट गई, जब हमने माइनस कंज्यूम कराया तो ये जो इस माइनस को हमने लिमिट में भेज दिया तो लिमिट पलट गई, लेकिन ये माइनस तो एज इट इज रहा, तो ये माइनस आ गया, ये वन बाई टू एज इट इज रहा, माइनस तो कंज्यूम हो गया भाई, माइनस तो कंज्यूम हो गया क्योंकि हमने लिमिट में हमने उसको एडजस्ट कर दिया। फिर ये आ गया आपके पास में वन बाई टू। अभी यहाँ पर ये जो टू है इसको वन बाई टू से नलीफाई किया, तो यहाँ से ये टू गायब हो गया, ठीक है बात। ये वाला जो टू है ये टू गायब हो जाएगा, इस टू को गायब कर दिया हमने, ठीक है। चलिए ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास में रूट ओवर टी बेसिकली आफ्टर इंटीग्रेशन। तो इसमें जब आपने अपर लिमिट रखा तो ये वन बन जाएगा, लोअर लिमिट रखा जीरो हो जाएगा। सो आंसर इफेक्टिवली क्या आ गया आपके पास में, वन। क्यों? क्योंकि ये तो जीरो आ गया था, और इसको इवेल्युएट करने पर जीरो से वन में ये आ गया वन। तो ये जो आंसर है वो अपने पास में जो इफेक्टिवली जो आंसर आ रहा है, दैट इज फाइनली वी कैन से आंसर इज वन, ठीक है। अब कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करना, दैट इज अ लेंथी वी कैन से प्रोसेस। क्यों? क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और अकेला है, तो इसको जब हमको इवेल्युएट करना है, या तो आप कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मानो, फिर अगर आप कॉस इनवर्स एक्स को थीटा भी मानोगे तो भी बाई पार्ट्स आपको लगाना ही पड़ेगा। इसको आपने थीटा माना, फिर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में कॉस थीटा, फिर जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन दैट इज माइनस ऑफ साइन थीटा डी थीटा। फिर आप जब यहाँ पर पुट करोगे तो कॉस इनवर्स एक्स जो है वो थीटा हो जाएगा, और डी एक्स की जगह पर आ जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा डी थीटा। तो अल्टीमेटली अब आपको यहाँ पर बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, फिर थीटा में जो है वो लिमिट्स भी थीटा के टर्म में लिखनी पड़ेंगी, तो काम वही करना है। तो जब भी हमारे पास में कोई ऐसा फंक्शन है जैसे एल एन एक्स है, या फिर कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका इंटीग्रल हमको नहीं पता है, तो उसको इवेलुएट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड फंक्शन को वन कंसिडर करके वी कैन इवेलुएट। दिस इज वेरी वेल ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द डेफिनेट इंटीग्रल, ओके। तो अभी अगर हमने ये डिसाइड किया यहाँ से सॉल्व करने में तो थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, ठीक है, कुछ कुछ तो करना पड़ रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर हम इसी इंटीग्रल को, हमने कहा चलो भाई अब अगर हम यहाँ से इसको सोचे हैं कि हम इसमें एलिमेंट जो है वो डी वाई लेते हैं, और डी वाई को जो है वेरी कराएं 0 से π/2 में, और नाउ मॉड ऑफ एक्स डी वाई हो जाएगा। अभी जब जब आपके पास में वाई 0 से π/2 में है तो एक्स पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव है वी कैन से, तो मॉड ऑफ एक्स जो है वो सिंपली एक्स होगा, सिंपली एक्स होगा। तो नाउ एक्स कैन बी रिटन एज, यहाँ से अभी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हम एक्स को लिख सकते हैं सिंपली कॉस वाई। सो नाउ अभी हमको क्या इवेल्यूएट करना है, 0 से π/2 में मॉड ऑफ कॉस वाई, तो सिंपली कॉस वाई होगा डी वाई। अभी कॉस वाई डी वाई का इंटीग्रेशन, तो कॉस वाई का इंटीग्रेशन इज साइन वाई, लिमिट इज फ्रॉम 0 से π/2, π/2 रखा तो वन, जीरो रखा तो जीरो। तो आंसर क्या आ गया आपके पास में, आंसर आ गया आपके पास में सिंपली वन। तो यहाँ से देखो बिल्कुल एक लाइन में विद इन फ्यू सेकेंड सॉल्व हो जा रहा है, यहाँ पर हमको थोड़ा ज़्यादा इंटीग्रल में हम यहाँ पर फंस गए। तो ये भी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि कहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने में आसानी पड़ रही है, कहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रल हमको करने में इजी पड़ेगा। तो इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम नाउ यू कैन जज वेरी इजिली दैट दिस इज बेटर वे, ओके। तो यहाँ से ये थोड़ा लंबा रास्ता हो रहा है, यहाँ पर इफेक्टिवली आंसर तो सेम आना ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। सो आई होप नाउ दिस इज क्लियर, ओके। नाउ इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या
क्या बोला गया यहाँ पर, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द वाई एक्सिस एंड द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स. सो नाउ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स इज अ पैराबोला दैट इज माउथ ओपनिंग लेफ्ट वर्ड. ठीक है, एंड एरिया बाउंडेड बाय वाई एक्सिस एंड द कर्व. अभी ये कर्व को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वाई इज इक्वल टू 0 पुट करने पर एक्स इज इक्वल टू 4 मिल गया, तो ये वर्टेक्स आ गया 4, 0. ठीक है बात, और x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 2, तो ये आ गया 2 और ये आ गया माइनस 2. ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड y एक्सिस, दिस कर्व एंड y एक्सिस. तो ये जो एरिया है, ये जो जाल सा है आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये एरिया हमको इवेल्युएट करना है. ठीक है, तो अभी इस एरिया को इवेल्युएट करने के लिए अगेन वी हैव टू मेथड्स. एक तो हम क्या करें, यहाँ पर x को वेरी कराएं 0 से 4 में, x को हमने वेरी कराया 0 से 4 में, और यहाँ पे लिखा y dx लिखा, मतलब कि अभी यहाँ पर y dx लिखने में दिक्कत है क्योंकि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस x, इट इज नॉट अ फंक्शन. जैसे ही आपने कोई एक लाइन ड्रॉ किया विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो वो जो है कर्व को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब कि एक x के करस्पॉन्डिंग आपको y का दो वैल्यू मिल रहा है, एक x के करस्पॉन्डिंग y का दो वैल्यू, इट इज नॉट अ फंक्शन. क्लियर है बात. तो अभी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस x को जब आपने सॉल्व किया तो वहां से आपको दो डेफिनेशन मिल रहा है, एक डेफिनेशन तो y इज इक्वल टू रूट ओवर 4 माइनस x, एंड दूसरा डेफिनेशन इज y इज इक्वल टू रूट ओवर 4 माइनस x विद अ माइनस साइन. तो यहां से जो ये ऊपर वाला जो ब्रांच है, ऊपर वाला ब्रांच से मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट तो डिनोट हो रहा है y इज इक्वल टू रूट ओवर 4 माइनस x, क्योंकि रूट ओवर 4 माइनस x का जो वैल्यू है नॉन नेगेटिव होगा, तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और ये जो ब्रांच है इसके करस्पॉन्डिंग, ये वाला ब्रांच बोलने से, ये जो ब्रांच है जो कि बिलो एक्स एक्सिस है, ये जो ब्रांच है इसके करस्पॉन्डिंग वाई नेगेटिव होगा, तो रूट ओवर 4 माइनस एक्स इट सेल्फ इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, विद अ माइनस साइन इट इज बिकम नेगेटिव. ओके, तो ये जो ब्रांच है ये डिफाइन कर रहा है वाई इज इक्वल टू रूट ओवर 4 माइनस एक्स विद अ माइनस साइन आउटसाइड, एंड ये ब्रांच हो गया डिफाइंड बाई वाई इज इक्वल टू रूट ओवर 4 माइनस एक्स. नाउ वी कैन सी सिंपली कि ये जो एरिया है ऊपर वाला, यहाँ पर जो एरिया है और ये जो नीचे में एरिया है, ये दोनों सिमेट्रिकल है. तो अगर हम यहाँ पर 0 से 4 में ये वाला एरिया को इवेल्युएट करके डबल कर दें तो भी हमारा काम बनता हुआ सा दिख रहा है. क्लियर है बात. तो फिर हमने क्या किया कि नाउ रिक्वायर्ड एरिया वी कैन राइट ट्वाइस ऑफ 0 से 4, ट्वाइस ऑफ 0 से 4 मॉड ऑफ वाई डी एक्स. अभी जैसे ही मॉड ऑफ वाई बोला, तो मॉड ऑफ वाई जैसे ही बोला हमने 0 से 4 में, तो हम ये वाला अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि जब x 0 से 4 में है तो ये जो डेफिनेशन है ये प्लस साइन के साथ आ रहा है, ये क्या आ रहा है प्लस साइन के साथ, तो मॉड ऑफ y में से डायरेक्टली मॉड नाउ वी कैन रिमूव. तो रिक्वायर्ड एरिया को अभी हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ लिमिट इज फ्रॉम 0 टू 4 एंड रूट ओवर 4 माइनस x dx. ठीक है बात. अभी इसी एरिया को सॉल्व करने के लिए या इसी एरिया को इवेल्युएट करने के लिए अगर हम माइनस 2 से 2 में, मतलब कि अभी हमने जो एलिमेंट लिया वो dy ले लिया, अभी इस dy एलिमेंट को अगर हम माइनस 2 से 2 में वेरी करा दें तो अभी हमको जो डेफिनेशन चाहिए वो क्या चाहिए, इन टर्म्स ऑफ y चाहिए, मतलब कि x इन टर्म्स ऑफ y चाहिए. तो x इन टर्म्स ऑफ y इज नॉट अ बिग डील, क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो 4 माइनस y स्क्वायर. तो इसको अगर हम इवेल्युएट कर लें माइनस 2 से 2 में 4 माइनस वाई स्क्वायर डीवाई, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो जो एरिया आएगा और यहाँ से जो आंसर आएगा वो जो एरिया आएगा वो सेम ही एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस एक जगह हमने अलोंग एक्स एक्सिस सॉल्व करना है, एक जगह हमने अलोंग वाई एक्सिस सॉल्व किया है. तो ये इंटीग्रल करना तो ईजी है, डायरेक्टली वी कैन सॉल्व. सो आई गेस नाउ दिस इज सिंपल एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो लेट्स से अगर हमको सॉल्व ही करना है तो हमने इसको लिख दिया कि लेट्स से रिक्वायर्ड एरिया हम लिख रहे हैं मॉड ऑफ एक्स डी वाई. ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पर. सो ये अभी हम लिख सकते हैं, चलिए तो इसको सॉल्व करना इज नॉट अ बिग डील. तो 4y माइनस ऑफ वाई क्यूब बाई 3 एंड लिमिट इज फ्रॉम माइनस 2 टू 2. अभी अपर लिमिट रखा तो क्या आ गया, अपर लिमिट रखा तो ये आ गया 8 माइनस 8 बाई 3, फिर माइनस लगाया और लोअर लिमिट. अभी लोअर लिमिट रखा तो यहाँ पर रखेंगे माइनस 2. पहले अपर लिमिट रखा था तो क्या रखा था यहाँ पर 2,
तो 4 इंटू टू इज 8, एंड 2 का क्यूब कितना हो गया 8/3। ठीक है, बात फिर माइनस साइन लगाया, फिर माइनस टू पुट किया तो यहां से आ गया आपके पास में माइनस ऑफ 8, एंड माइनस टू यहां पर पुट करने से कितना आ गया, ये तो माइनस ऑफ 8/3 आएगा, बट एक माइनस साइन पहले से है तो वो आ गया प्लस का 8/3। क्लियर है बात, आई होप क्लियर है। फिर यहाँ पर इसको इवेल्युएट करते हैं, तो ये कितना दे रहा है हमको, लेट से दिस इज 8 + 8 दैट इज 16, माइनस ऑफ 8/3 एंड माइनस ऑफ 8/3, सो दिस इज 16 - 16/3। सो दिस इज एलसीएम ले लिया, तो अभी 1 - 1/3, या तो 16 कॉमन लेके 1 - 1/3 इज 2/3, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 16 दैट इज 32/3। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन पार्ट है, यू कैन डू इट योर सेल्फ, अदरवाइज इट्स ओके। तो ये आ गया आपके पास में 32/3 फ्रॉम दिस वे। तो अभी रिक्वायर्ड एरिया हमने जो इवेल्युएट किया है उसमें हमने लिखा है एक्स डी वाई। एक्स डी वाई का मतलब कि अलॉन्ग वाई एक्सेस, अभी हमने कैलकुलेशन किया है अलॉन्ग वाई एक्सेस, वाई इज वेरिंग फ्रॉम -2 to 2, इस तरह से हमने इवेल्युएट कर लिया। अदरवाइज वी नीड टू सॉल्व इफ वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द रिक्वायर्ड एरिया अलॉन्ग एक्स एक्सिस, देन वी नीड वाई डी एक्स। तो वाई डी एक्स वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, बट अगर हमको सॉल्व करना है तो थोड़ा सा वी कैन मेक सम स्पेस। तो अभी इसको दिस कैलकुलेशन पार्ट यू कैन डू, या फिर आपने नोट भी कर लिया होगा अभी तक तो। ठीक है, तो अभी अगर हम बात कर रहे हैं, तो नाउ वी वांट टू सॉल्व दिस इंटीग्रल, ये वाला इंटीग्रल अभी हमको सॉल्व करना है, ये जो इंटीग्रल है हमारे पास में। ठीक है, तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए इसको लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ओके, तो ये आ गया, चलिए नाउ वी वांट टू सॉल्व दिस। ठीक है, तो अभी रूट ओवर 4 - x लिखा हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो हमने क्या किया, 4 - x को अगर हम t बोल देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में माइनस ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू dt। अभी लिमिट पर फोकस कर रहे हैं, तो लिमिट पहले है 0 से 4, तो जब आपने x को 0 रखा, जब x को आपने 0 रखा तो t जो है 4 आ रहा है, जब आपने x को 4 रखा तो t जो है वो 0 आ रहा है। तो अभी माइनस ऑफ डी एक्स की जगह पर माइनस ऑफ dt आएगा, तो माइनस ऑफ 2 लिखोगे आप, फिर लिमिट रखोगे 4 से 0 और रूट ओवर t dt लिखोगे, फिर इस माइनस को अगर हम कंज्यूम करा दें तो लिमिट जो है वो क्या हो गया, 0 से 4 हो गया। तो इस माइनस को हमने कंज्यूम कराया और लिमिट को उलट दिया, तो लिमिट क्या आ गई आपके पास में 0 से 4। ठीक है ना भाई, a से b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ b से a एफ एक्स डी एक्स, यही तो होता है। क्लियर है बात, तो इसको हटा दिया, मतलब कि ये प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली बेसिकली। फिर t के पावर में 1/2 का इंटीग्रेशन, 2 एज इट इज, t का पावर में 1/2 + 1 दैट इज t का पावर में 3/2 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 2/3। अभी लिमिट जो है वो क्या है, 0 से 4 है, तो 2 इंटू अभी 4 रख दिया यहाँ पर, तो 4 रख दिया तो 4 का पावर में 3/2, 2/3 इंटू 4 का पावर में 3/2 जो है वो क्या बन जाएगा आपके पास में 8, 4 का पावर में 3/2 दैट इज 2/2 का पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2/3 = 8। चलो हटाते हैं इसको। फिर ये तो हो गया अपर लिमिट, अभी लोअर लिमिट इवेल्युएट करोगे तो टी के जगह पे क्या रखोगे आप, 0, तो वो तो 0 हो गया। अभी इसको इवेल्युएट किया तो ये कितना आ गया आपके पास में, 8 × 2 = 16 × 2 = 32 / 3। आंसर सेम आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है और आना भी चाहिए। सो नाउ वी आर गेटिंग द सेम आंसर by two different approach we can say। तो एक बार हमने y axis के along evaluate किया और एक बार हमने x axis के along evaluate किया। अब यहाँ पर तो दोनों ही easy हैं, ठीक है, तो it is your call कि exam में आपको problem देखने के बाद में आपको क्या suit कर रहा है। ठीक है, axis जो है वो आप choose कर सकते हो, but ध्यान रखना है कि अगर आपने dy लिखा है तो जो function है वो in terms of y होना चाहिए और limit भी y में चलेगी। अगर आपने डी एक्स सेलेक्ट किया है तो जो फंक्शन है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स होना चाहिए और जो लिमिट है वो भी एक्स में चलेगी। क्लियर है बात, फिर सिमेट्री वगैरह से यू कैन डबल द एरिया, हाफ द एरिया, दैट इज अप टू यू। ओके, एंड विद द मोर एग्जांपल्स वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दैट पार्ट आल्सो। नाउ इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल वी हैव, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस एंड द कर्व वाई इज इक्वल टू 2 - e पावर एक्स। ओके,
सो 2 माइनस e पावर x इज नॉट अ बिग डील आई गेस। e पावर x हमको पता है, माइनस ऑफ e पावर x अगर हम ड्रॉ करें तो e पावर x का जो ग्राफ है वो तो कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है, नॉट लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है, ऐसा भी नहीं, e पावर x का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो अभी माइनस ऑफ e पावर x का ग्राफ जो है वो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो हमने माइनस ऑफ e पावर x का ग्राफ बनाया, ठीक है, कुछ इस तरह से आ गया हमारे पास में ग्राफ, डिक्रीजिंग कर्व। अभी इस ग्राफ को अगर हम देखें, अभी इस ग्राफ को अगर हम 2 यूनिट से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दें, ऊपर की तरफ मतलब कि अलोंग वाई एक्सिस, तो ये जो अभी ग्राफ जो है वो टेंड कर रहा है वाई, मतलब ये जो है ये है आपके पास में एक्स एक्सिस, दैट इज वाई इक्वल टू 0 को टच करने का ट्राई कर रहा है जब एक्स जा रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ। दिस इज माइनस ऑफ ई पावर एक्स। अभी इसको 2 यूनिट से देखो ये वैल्यू क्या आएगा, ये वैल्यू आएगा 0, -1। अब जैसे ही हम इसमें 2 ऐड करेंगे तो 2 ऐड करने पर होगा क्या, ये जो कर्व है ये कर्व 2 यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा क्या मतलब ये हुआ कि अभी इस पर जो भी पॉइंट है वो हर एक पॉइंट जो है वो 2 यूनिट से शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट 0, -1 था इसमें आप जब ऐड करोगे तो जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, 0, मतलब वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 1, मतलब कि ये पॉइंट जो है 0, 1 और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1। अभी ये जो वाई इज इक्वल टू 0 लाइन को टच करने का ट्राई कर रहा था, अभी वो टच करने का ट्राई करेगा, मतलब कि ऐसा दिखाई देगा, दैट इज वाई इज इक्वल टू 2 लाइन। ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास में वाई इज इक्वल टू 2 लाइन। तो जो हमारे पास में जो रिक्वायर्ड कर्व है उसको अगर हम ड्रॉ करें तो ये आ गया हमारे पास में, दिस इज द रिक्वायर्ड कर्व, दिस इज 2 माइनस e पावर x। तो इसको हमने लिख दिया दिस इज 2 माइनस e पावर x। अभी क्या बोल रहा है कि ये कर्व एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया बाउंड कर रहा है वो बताना है। अभी आप देखो एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया बाउंड हो रहा है वो क्या हो रहा है, ये एक्स एक्सिस हो गया, अभी ये अलोंग विद एक्स एक्सिस तो ये वाला एरिया ही बाउंड हो रहा है। तो एक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा आपके पास में, एक्स जाएगा 0 से लेकर एक्स इज इक्वल टू अल्फा तक। तो 2 माइनस e पावर x इज इक्वल टू जहां पर 0 होगा मतलब y 0 होगा, तो y 0 होगा तो e पावर x इज इक्वल टू 2 हो गया। तो यहां पर x का वैल्यू क्या होगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में ln 2। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया जो हमको पूछा गया है दैट इज 0 से ln of 2 एंड y dx। अभी y जो है वो मॉड ऑफ y dx, बेसिकली मॉड ऑफ y dx, लेकिन 0 से ln 2 में ये जो है अल्फा का वैल्यू आ गया ln 2। तो अभी 0 से ln 2 में ये जो है दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। तो 0 से ln 2 में जो आपके पास में कर्व है वो तो नॉन नेगेटिव है, तो मॉड हट गया। अभी मॉड हटा दिया तो क्या आ गया, 2 माइनस e पावर x dx। इसको एवेल्युएट कर लो आप। सो नाउ दिस इज सिंपली 2x माइनस e पावर x एज इट इज एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 से ln 2। अपर लिमिट रखा था 2 ln 2 माइनस e का पावर में ln 2, दैट इज सिंपली 2, ठीक है, ये अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट। अभी 0 रखेंगे तो 0 रखने से ये तो 0 हो गया, बट माइनस ऑफ ई पावर 0, माइनस ऑफ ई पावर 0 मतलब कि -1। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट इवेलुएट किया, फिर लोअर लिमिट रखा तो ये 0 माइनस ऑफ 1। सो दिस इज सिंपली -1। तो ये कितना आ गया, 2 का पावर में ln 2 -2 + 1, दैट इज -1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। ये जो एरिया है इसको अगर हम थोड़ा सा हाईलाइट करें आपके लिए, सो नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया, ये वाला जो एरिया है, ठीक है बात, ये एरिया हमको इवेलुएट करने के लिए पूछा गया था। नाउ इन द नेक्स्ट वन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि द एरिया इंक्लूडेड बाय वाई इज इक्वल टू ln x। वाई इज इक्वल टू ln x का ग्राफ पता है, बिल्कुल पता है। एक्स एक्सिस एंड बिटवीन एक्स इज इक्वल टू 1/e एंड एक्स इज इक्वल टू ई इज k - k/e, देन इवेल्युएट k। तो हमको k इवेल्युएट करना है। अगर इस तरह से जो कर्व y इज इक्वल टू एल एन एक्स गिवन है और उसका जो एरिया हमको बताना है विद एक्स एक्सिस और जो लाइन हमारे पास में है दैट इज एक्स इज इक्वल टू 1/e एंड एक्स इज इक्वल टू ई, ठीक है, तो ये एरिया नाउ वी वॉन्ट टू इवेल्युएट, ठीक
ठीक है करते हैं। तो y इज इक्वल टू एल एन एक्स ड्रॉ किया सबसे पहले, तो ये आ गया आपके पास में लेट से x एक्सिस, ये हो गया आपके पास में लेट से y एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया आपके पास में लेट से y एक्सिस, ओके। और एल एन एक्स का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से जाएगा, नॉट लाइक दिस, ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये आ गया आपके पास में y इज इक्वल टू एल एन एक्स, ठीक है। अभी जो आपको इवेल्युएट करना है वो इवेल्युएट करना है लिमिट, मतलब कि जो बिटवीन x इज इक्वल टू वन बाई एंड x इज इक्वल टू e। अब x इज इक्वल टू वन बाई ई इज अप्रोक्सीमेटली x इज इक्वल टू वन बाई थ्री, तो 0.33 अप्रोक्स, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा बिकॉज e इज अप्रोक्सीमेटली 2.71, ठीक है, नेपियर्स कॉन्स्टेंट। तो ड्रॉ कर लिया x इज इक्वल टू वन बाई ई लाइन, ये हो गया थोड़ा पास में हो गया जीरो के, और ये आ गया, ठीक है। तो इसको x इज इक्वल टू वन बाई, ओके, एंड द लाइन x इज इक्वल टू ई जो है वो हो गया 2.71, तो ये हो गया आपके पास में वन बाई ई, दिस इज वन एंड दिस इज ई, ठीक है। तो अभी एरिया हमको क्या बताना है, ये एरिया बताना है एक तो हमको, और ये एरिया बताना है। अभी जैसे ही हमने देखा ये एरिया नेगेटिव होगा, ये एरिया पॉजिटिव होगा, तो या तो आप इस एरिया को इवेल्युएट करो फिर माइनस साइन एक और लगा दो, तो नेगेटिव में जो आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज वी कैन राइट द रिक्वायर्ड एरिया इज वी कैन से लिमिट इज फ्रॉम वन बाई ई टू ई मॉड ऑफ एल एन एक्स डी एक्स, ठीक है। अभी इसको ब्रेक कर लिया, ब्रेक करके क्या लिख दिया, वन बाई ई से वन जाते हैं एंड मॉड ऑफ एल एन एक्स जो है वन बाई ई से वन में जो मॉड ऑफ एल एन एक्स है वो हो जाएगा आपके पास में माइनस ऑफ एल एन एक्स, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एल एन एक्स, ठीक है बात, आई गेस क्लियर है। डी एक्स प्लस अभी आगे चलेंगे तो वन से ई में दिस इज सिंपली एल एन एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। अभी अगर आप चाहो तो ये जो आपके पास में माइनस साइन है इसको आप लिमिट में कंज्यूम करा दो, तो अगर हम इसको लिमिट में कंज्यूम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एल एन एक्स डी एक्स एंड लिमिट इज फ्रॉम वन टू वन बाई, ठीक है, एंड प्लस वन से ई एल एन एक्स डी एक्स एज इट इज, ठीक है बात। चलिए अब आप देखो एल एन एक्स का इंटीग्रल ऑलरेडी वी नो क्या होता है, x इंटू एल एन एक्स माइनस एक्स। अभी लिमिट अप्लाई करना है, तो लिमिट अप्लाई किया एक बार, किया वन से वन बाई, जब हमने वन से वन बाई लिखा तो क्या आ जाएगा आपके पास में, हम इसकी बात कर रहे हैं भाई, इंटीग्रल तो सेम ही है एल एन एक्स डी एक्स है, लिमिट रखना है एक बार वन से वन बाई और एक बार वन से ई, इस माइनस को कंज्यूम करा के हमने क्या कर दिया, लिमिट पलट दी, ठीक है बात। चलिए तो रख के देखते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास में वन बाई एंड एल एन ऑफ वन बाई ई जो है वो क्या हो जाएगा भाई, एल एन ऑफ वन बाई ई का मतलब हो गया ई की पावर में माइनस वन, माइनस को आगे भेजा तो एल एन ऑफ ई जो है वो तो वन हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, माइनस वन, तो ये आ गया माइनस का वन बाई, फिर माइनस का वन बाई फिर से आ गया, तो दिस इज माइनस का वन बाई ई माइनस का वन बाई, ठीक है। फिर आपने जब यहाँ पे वन रखा तो एल एन वन तो क्या हो गया, एल एन वन तो हो गया आपके पास में जीरो, तो ये पूरा जीरो हो गया, और यहाँ पे वन रखा तो माइनस वन, तो अपर लिमिट ये आ गया, फिर माइनस लगाया, फिर लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितना आ गया, माइनस वन, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, सो नाउ दिस इज प्लस, तो माइनस का टू बाई ई प्लस वन, ये किसका आंसर आ गया, ये आंसर आ गया आपके पास में इस इंटीग्रल का, ठीक है। मतलब कि ये जो एरिया था इस पर मॉड लगाने की वजह से ये जो नेगेटिव में था आपको पॉजिटिव में आ रहा है, वन माइनस टू बाई, बट टू बाई ई जो है वो तो फ्रैक्शन है, टू अपॉन अप्रोक्सीमेटली थ्री मान लो, सो दिस इज वन माइनस टू बाई थ्री, दिस इज अप्रोक्सीमेटली वन थर्ड, तो पॉजिटिव ही है, ओके। नाउ वन से ई में इवेल्युएट करना है, तो वन से ई में जब हमको इवेल्युएट करना है तो आंसर तो यही होगा x इंटू एल एन एक्स माइनस एक्स एंड लिमिट इज फ्रॉम वन टू ई, तो जैसे हमने ई रखा सो दिस इज ई इंटू एल एन ई, एल एन ई का वैल्यू वन,
एंड माइनस ऑफ ई, माइनस ऑफ ई, ये तो जीरो हो गया। फिर लोअर लिमिट रखा तो ये जीरो हो गया, ये क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर यहां पर जब हमने लोअर लिमिट रखा तो ये तो आ गया माइनस ऑफ वन, और एक माइनस पहले से ही था तो क्या आ गया, ये प्लस वन। तो माइनस का टू बाई ई प्लस वन दैट इज टू माइनस टू बाई ई। तो हमको क्या बोल रहा था कि के माइनस के बाई ई, तो के का वैल्यू क्या आ गया आपके पास में टू। क्लियर है बात। तो यहाँ पर एक बार रख के देख लेते हैं, ये हम बात कर रहे हैं इस इंटीग्रल की। तो इंटीग्रल को सॉल्व करने पर तो यही आएगा एक्स इंटू एल एन एक्स माइनस एक्स, फिर अपर लिमिट रखने पर ई इंटू एल एन ई का वैल्यू वन माइनस ई, तो ये तो सब खत्म हो गया। माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट रखा तो यहाँ पर जैसे ही वन रखा तो एल एन वन का वैल्यू जीरो, फिर यहाँ रखा तो माइनस वन, तो माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस वन। ठीक है, अब दोनों का जो वैल्यू है वन माइनस टू बाई ई और वन को अगर हम ऐड करते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, ये मिल जाएगा आपको वन माइनस टू बाई ई प्लस वन। तो इफेक्टिवली क्या आ गया आपके पास में टू माइनस टू बाई ई। इसको अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें के माइनस, तो टू माइनस टू बाई ई, तो यहाँ से के का वैल्यू क्या आ गया आपके पास में टू। Evaluate the value of k पूछा गया था, k का वैल्यू आ गया आपके पास में सिंपली 2। तो इस तरह से भी पूछ सकते हैं या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं, वेयर k इज अ ऑप्शन दे देगा, k इज अ प्राइम नंबर, k इज अ नेचुरल नंबर, k इज अ इवन प्राइम नंबर। अच्छा, k इज अ इवन प्राइम नंबर देगा तो फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अगर नन ऑफ दीज नहीं है तो, मतलब k इज अ इवन प्राइम नंबर ऐसा बोल दिया तब तो आंसर 2 ही होगा, बिकॉज 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, बट ऐसा जेई में नहीं होगा, बट इन केस याद रख लिया। ओके, नाउ क्या बोल रहे, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स एंड x एक्सिस बिटवीन x इज इक्वल टू जीरो एंड x इज इक्वल टू फाइव। तो ये तो सबसे सस्ता सबसे अच्छा वाला क्वाड्रेटिक है, क्या होता है ये x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं दैट इज सिंपली अपवर्ड पैराबोला हो गया, अपवर्ड पैराबोला अलॉन्ग विद x एक्सिस में ये दो पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब जो इसके रूट्स हैं वो हमको पता ही हैं टू और थ्री हैं। ठीक है, और फाइव पर अगर हम एक रफली अगर हम वैल्यू इवेल्यूएट कर रहे हैं तो 25 माइनस 25 प्लस 6, तो फाइव के करस्पॉन्डिंग अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको चलिए होगा तो ये सिमेट्रिकली ही। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने लाइन ड्रॉ किया, लेट से ये हो गई आपके पास में x इज इक्वल टू फाइव। ठीक है, तो नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फ्रॉम x इज इक्वल टू जीरो से, अच्छा x इज इक्वल टू जीरो से x इज इक्वल टू फाइव तक। चलिए इसको x इज इक्वल टू जीरो के करस्पॉन्डिंग अगर आप देखोगे तो x इज इक्वल टू जीरो पर भी वैल्यू कितना आ रहा है, सिक्स आ रहा है। एक्स इज इक्वल टू जीरो के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रहा है, सिक्स आ रहा है एक्स इज इक्वल टू जीरो से। तो अभी हमको मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, फिर यहाँ नेगेटिव है, फिर यहाँ पॉजिटिव है। तो जब हम लिखेंगे यहाँ पर मॉड ऑफ दिस, तो जीरो से टू में पॉजिटिव आएगा, फिर टू से थ्री में आएगा विद अ माइनस साइन, फिर थ्री से फाइव में आएगा प्लस साइन के साथ में। अब अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर ऑब्जर्व करो तो जो वर्टेक्स होगा उसके करस्पॉन्डिंग ये एरिया और ये एरिया सेम ही है, बिकॉज दिस इज सिमेट्रिकल। तो आप थ्री से फाइव में जो एरिया इवेल्यूएट करोगे और जो जीरो से टू में इवेल्यूएट करोगे वो एरिया सेम ही होगा। तो अगर हम लिखें कि रिक्वायर्ड एरिया जो है वो क्या हो गया आपके पास में, नाउ रिक्वायर्ड एरिया वी हैव इज जीरो से टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स डी एक्स माइनस साइन। क्यों माइनस साइन लगा दिया, क्योंकि ये जो एरिया है इसमें जो मॉड होगा, मतलब इस 2 से 3 में जब x है तो x square minus 5x plus 6 negative है, mod के अंदर में कोई negative quantity है तो mod तो हमेशा answer क्या करेगा, non-negative। तो वो अगर वो negative quantity है तो उसको वो positive बनाने के लिए एक minus से multiply कर देंगे, तो उस minus को हमने integration के बाहर रख दिया। And limit is from 2 to 3 x square minus 5x plus 6 dx and plus 3 to 5 x square minus 5x plus 6 dx। नॉट ड्यू टू सिमेट्री वी कैन से कि जीरो से टू में जो एरिया आएगा वही एरिया थ्री से फाइव में आएगा,
तो जो भी वैल्यू है मतलब कि आफ्टर सॉल्विंग, जब आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करोगे, सपोज करो ये वैल्यू बोल रहा है अल्फा, तो ये वैल्यू भी अल्फा ही बोलेगा। तो इसको आप चाहो तो इसको डबल करके मतलब किसी भी एक को सॉल्व कर लो आप और इसको सॉल्व कर लो, तो आपको जो है रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। तो अब ये इंटीग्रेशन तो आप सॉल्व कर सकते हो आई गेस, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर लेना है, एंड ड्यू टू सिमेट्री क्योंकि यहाँ पे वर्टेक्स होगा तो उसके रिस्पेक्ट में तो जो कर्व है वो सिमेट्रिक ही है, और यहाँ पर भी जो इंटरवल है वो 2 है, यहाँ भी इंटरवल 2 है, ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है मैम। सो आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एरिया अंडर द